मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कुमार और मैं अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में एज ए न्यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे मसल डिजीज़ के बारे में। मसल मतलब जो हमारे मांसपेशियाँ रहते हैं उसकी कमजोरी के बारे में। अगर किसी को मसल्स की कमज़ोरी है, जैसे कि वो नीचे बैठ के उठ नहीं सकता हो, या सीढ़ी चढ़ने के टाइम उसे कठिनाई हो रही हो, या कंधा का मसल कमज़ोर हो गया हो, किचन में या ऊपर के शेल्फ से कोई सामान नीचे उतार नहीं पा रहा हो, तो उसे मसल्स की डिजीज़ हो सकती है। और उसमें सेंसेशन नॉर्मल रहता है, अगर वो कहीं पे छू के टच करके देखे तो पूरा उसे महसूस कर सकता है। तो ये जो बीमारी है कुछ हफ्तों से भी हो सकती है, कुछ महीनों से भी, और कभी कभी सालों से भी हो सकती है। अगर किसी को ऐसा बीमारी है तो उन्हें न्यूरोलॉजी से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर हम करेक्ट टेस्टिंग करेंगे, जैसे कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे या एक टेस्ट बोलते हैं जिसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी बोलते हैं, जहाँ की मांसपेशियों में सुई डाल के और कंप्यूटर पे मसल्स की एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं, कभी कभी स्पेसिफिक जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं, और कभी कभी एक मसल्स का छोटा सा पीस निकाल के माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जैसे कि मसल बायोप्सी बोलते हैं। तो ये टेस्ट करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि इसका कारण क्या है। ये इन्फ्लेमेटरी है, मतलब मसल्स के अंदर सूजन है, या कि ये जेनेटिक, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, जिसमें कि मांसपेशियाँ फैट में तब्दील हो जाती हैं। तो दोनों में से इन्फ्लेमेटरी जो कि सूजन से होता है, उसके अच्छे इलाज हैं। डॉक्टर्स न्यूरोलॉजी साहब मिलेंगे तो इलाज के द्वारा उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पूरा क्योर या इलाज तो नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज और कुछ दवाइयों से कुछ हद तक उस पर हम उसका रोकथाम और उसका उपचार कर सकते हैं। धन्यवाद।